10 बज रहे हैं। रूम की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रखी है, सब कुछ फैला पड़ा है। मेरी हालत भी ख़राब ही है। घर की तो याद आ ही रही है, पर कोल्ड भी हो रखा है। गला पूरा बैठा पड़ा है, पैर में दर्द हो रहा है और भी अलग चोचले चल रहे हैं। इन लास्ट 5 दिनों में मैंने बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया है ऑन फुट, और मुझे लग रहा है मैंने बहुत टोक्यो देख लिया। लेकिन जब भी इंटरनेट सर्च करता हूँ ना कि क्या और देख सकता हूँ, तो इतनी सारी चीज़ें हैं, तो ऐसा फील होता है यार मैंने तो कुछ भी नहीं देखा, अभी इतना कुछ मिस कर रखा है। दुनिया भर की तो रिसीट हो रही है मेरे पास, ये देखो ज़रा कितने टिकट टिकट और रिसीट और ये और आधी नीचे गिरी पड़ी है। बिल्कुल बाहर जाने का मन नहीं है, आज तो घूमने का ही मन नहीं है। पर अगर मूड करा तो 2-3 चीज़ें सेव कर रखी है मैंने मैप पे जो मेरे को देखनी है, तो वहाँ चलेंगे। ये देखो इन मशीन्स में ना ज़्यादातर कॉफ़ीज़ हैं। अब मेरे को कॉफ़ी तो पसंद नहीं है भाई, बिल्कुल कड़वी कड़वी सी लगती है। ये मिल्क टी फिर भी पी लूँगा मैं, मीठी मीठी सी लगती है। और पता नहीं मैं सुई का भी यूज़ नहीं कर सकता इस वाली पे, आई थिंक कहाँ पे करूँगा, नहीं कर सकता। अब अल्लाह वेंडिंग मशीन्स की कमी नहीं है वैसे। ओके, जब भी मैं कुछ छोटा या थोड़ा सा कुछ खरीदने की सोचता हूँ ना, हमेशा यही होता है। बहुत सारा बाय कर लिया मैंने। किसी ने थर्ड फ्लोर का बटन दबा रखा था, तो मेरे को लगा मैं फोर्थ फ्लोर पे आ गया। मैं ये वाला गेट खोलने लग रहा हूँ, 304। मेरा रूम 404 है। मैंने 4 दबाया था लेकिन किसी ने 3 दबा दिया होगा, तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। तो सामने कोई खड़ा था, मैं कहा चल भाई ये भी फोर्थ पे ही रहता होगा। मैं उसे लगान लग रहा हूँ, मैं कहा खुल क्यों नहीं रहा भाई तू ले। मेरे को लगा, मैंने कहा इतनी जल्दी कैसे, अभी तो 2 दिन है। ये हुई कुछ बात। मैं हॉट ड्रिंक लेने गया था, वो तो लाया नहीं, लेकिन ये सब उठा लाया। तो ये है ताकोयाकी बोलते हैं इसे, इसमें ऑक्टोपस होता है जहाँ तक मुझे पता है, पहली बार खाऊंगा इसलिए ले आया। ये चिप्स, ये फ्राइड चिकन है, एक पीस ले आया मैं ऐसे ही। और ये है अपना, मैं दोबारा वही चाउमीन से लाने वाला था, लेकिन मैंने डिसाइड किया कुछ और ले आते हैं, तो ये मैं ले आया पास्ता, कॉड रोई आई थिंक ये फिश होती है, आई एम नॉट श्योर। राइस क्रैकर्स हैं ये, और बाकी ये किटकैट, अगर कुछ भी इनमें से मूड ख़राब कर देता है तो ये किटकैट ज़िंदगी बचाएगी। वैसे मैं पॉलीथिन लेता नहीं था, आज मैंने ये पॉलीथिन भी ले ली, बिकॉज मेरे डस्टबिन की हालत देखो। हेल्प मी वो ऊपर को आ गया है, तो इसे मैं फुल लाइक साइड करके और न्यू पॉलीथिन लगाऊंगा इसमें। 2 दिन बाद मुझे क्योतो जाना है, और क्योतो के लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि वो कंट्री साइड है, थोड़ी सी यू नो ओल्ड वाइब्स है वहाँ पे। खुशबू तो वैसी अजीब सी आ रही है, पर मिक्स कर लेते हैं भाई, देखते क्या है। यार इन जापानीज़ खानों में इतनी अजीब वो क्यों आती है स्मेल, या तो मुझे ना अपना खाना ही पसंद है, ये बहुत अजीब है इनका खाना। लाइक क्या, मेरे को वो चाउमीन सी पसंद आई है, क्योंकि उसमें वो मेरे को वही खाना यहाँ पे पसंद आया जिसमें अपना टच है थोड़ा सा। इन लोगों का खाना ना मेरे को सूट नहीं कर रहा, कुछ खास पसंद आ नहीं रहा है मुझे। अब है भाई आ जाना। ये रेड रेड सा तो अजीब सा है, मिक्स करके और गड़बड़ कर दी मैंने। ठीक है, अबे कितना तेल भर रहा है भाई, तेल ही तेल भर रखा है इसमें तो। ये देखो जरा, ये पानी दिख रहा है तुम्हें, तेल है ये, कहीं से निकला है इधर भाई, कितना तेल है इसमें। आपकी बारी है, इस पे 2 सॉसेस भी रखी हैं भाई। मैं सॉस तो बिल्कुल नहीं डालने वाला, पहले मैं वैसे ही खा के देखूंगा, फिर एक एक करके सॉस डालूंगा। इनमें से भी वैसी ही खुशबू आ रही है अजीब सी, मुझे नहीं लगता ये मेरे को पसंद आएंगे। बट या हेयर वी गो, ट्राई तो करना ही है भाई, ऐसी क्यों है इनकी स्मेल यार, एक कुछ अच्छा मिलेगा मेरे को। चॉप्ड ऑक्टोपस है इसमें, इसमें तो टेस्ट ही नहीं है, रूखा रूखा सा लग रहा है इसमें ना, ना मसाला है ना मीठा है ये, मतलब कोई टेस्ट नहीं है, वैसे ही है बस, वो ऐसा लग रहा है च्युइंग गम से चबा रहा हूँ मैं। आई गेस ये सॉस ट्राई करने का टाइम आ गया भाई, क्या ये मीठी मीठी होगी ये। मैं ना ये एक्सपेरिमेंट तो करने लग रहा हूँ, पर ये वही है भाई, ख़राब सा लगा ना फिर, अब ये तीखी होगी ज़रूर। अरे क्या अजीब सी है ये। इस चीज़ से ना मैंने ये सीखा है कि सिर्फ 2 या 3 पीस वाला पैकेट लेना चाहिए, मेरे को यही सबसे छोटा मिला वैसे तो, लेकिन ये 2-3 पीस के पैकेट होने चाहिए, 2 पीसीज हों बस, ट्राई करके देख लो। फूड मेरे लिए बहुत स्पेशल चीज़ है, ठीक है, वो एक लाइक टॉप लिस्ट में आता है, वो जब मेरे को हैप्पीनेस मिलती है, ठीक है, वो डोपामीन मिलता है फूड खा के। अरे ये तो मैंने खा रखे हैं, ओ भाई छोखे मोटे चिप्स हैं तो सही लग रहे हैं, पर इसीलिए मैं जब भी ये वाले फूड खरीदता हूँ ना, साथ में मैं ऐसा कुछ खरीद लेता हूँ, मैं किटकैट ले आया था, इससे वो जो मूड खराब हुआ होता है ना, ये खा के ठीक हो जाता है। 2 hours later तो मैं आया हूँ शिबुया स्काई, सफाई करने का मन नहीं करा तो हेयर वी आर।
बिना सोयन डाले वो लग ही नहीं रहा था। सनसेट वाला जो टाइम है ना वो ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन सैडली वो सारा बुक हो चुका है, आज का भी कल का भी और परसों। तो मैं क्यों तो निकल ही रहा हूँ, तो या मुझे नहीं पता था इतना पॉपुलर है यहाँ का सनसेट वाला टाइम, तो मेरे को या तो अभी का मिल रहा है या रात का। रात का मैं स्काई ट्री पे देख चुका हूँ, तो मुझे लगा अभी चले जाना चाहिए। यार ये व्यू भी अच्छा है, शिबुया स्काई ज़्यादा अच्छा लग रहा है मेरे को। वो एक्रोफोबिया मेरा। ये ना बहुत ओपन स्पेस है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। लाइक जो स्काई ट्री था ना वो बहुत कॉम्पैक्ट और बंधा बंधा सा था, ये बहुत ओपन है, लाइक तुम घूम सकते हो। देखो चौखी बड़ी जगह है ये। ये देखो भाई ये पूरा ऑब्जर्वेशन डेक ही है, वह कॉर्नर्स निकाल रखे हैं छोटे छोटे जहाँ पे तुम शहर को देख सकते हो। सही लग रहा है, आज कल लोगों ने सनसेट बुक किया हुआ है। सन तो है ही नहीं, सनसेट कहाँ से होगा, सन दिख ही नहीं रहा, मौसम ख़राब है। पूरा ऐसे कॉर्नर्स है अपने, यहाँ आओ देखो। वेल ऑब्जर्वेशन तो तुम कहीं से भी कर सकते हो लिटरली, यहाँ पे कोई ऐसी स्पेशल फील नहीं आ रही, बट फोटो स्पॉट है ये। ये वो जगह है जो तुमने रील पे देखी होगी मोस्टली, ये ऐसे करके लोग बनाते हैं। ये देखो ऐसे सोफे से भी बना रखे हैं, तुम अपने यहाँ अपने बैठ दो ऐसे, व्यू का मज़ा लो। ये काफ़ी रिलैक्सिंग है कंपेयर करें अगर स्काई ट्री से। तो पंगा ये यहाँ पे मास्क का बड़ा लफड़ा यार, बार बार लगाने के लिए बोल देते हैं। ये जो कंस्ट्रक्शन मशीन्स लगी हुई हैं इनको नीचे से देखने की तो आदत है, पर अब ऊपर से देख रहा हूँ ना तो इतना अजीब लग रहा है, कैसे ये हवा सी में लटकी हुई हैं भाई। देखो काम कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, शायद तुम्हें दिख ना रहा हो। आई यार आँखों से ये सब एक्सपीरियंस लेने की बात ही कुछ और है। यहाँ पे ये जाल से भी लगा रखे हैं, तुम आके यहाँ पे लेट सकते हो। आई थिंक ये नाइट टाइम के लिए बढ़िया रहेगा, अपने यहाँ लेट जाओ, स्काई को देखो आराम से। अभी तो फिलहाल लेटने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने तो ले लिया भाई शिबुया स्काई का एक्सपीरियंस, कभी फिर कभी इन फ्यूचर आएंगे तो सनसेट भी देखेंगे यहाँ का, बहुत प्यारा लगता होगा आई एम प्रीटी श्योर। अभी मैं चल दिया नीचे। ये भाई रील वाली जगह है, तुम लोगों ने कई बार देखी होगी, ये ऐसे करके ऐसे ऐसे वीडियो लेते हैं, वहाँ पे सनसेट होता है तो वहाँ से बड़ा प्यारा लगता है वो, बट अभी कुछ भी नहीं है। और आज तो सनसेट भी निकल रहा। What? क्या मैंने अभी अभी बोला सनसेट भी नहीं निकल रहा, आई एम डम्ब। भाई ऊपर तो थोड़ा सा बैरियर सा भी था, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, नीचे आया हूँ मैं हल्का सा। ये देखो ये थ्रिल वाला काम है थोड़ा, अगर मैं रोज वैसे आके ऐसे देखने लग जाऊँ ना सारा एक्रोफोबिया ख़त्म हो जाएगा मेरा। यार लोग कितने छोटे छोटे से लग रहे हैं बताओ, सब अपनी अपनी लाइफ जी रहे हैं। कुछ खाने का मन है, फ्रेंच फ्राइज एंड हॉट टी ले रहा हूँ। प्राइस देखो ज़रा 550, व्हाट द फक। ये जो बैग लाया ना जब मैं, तो जब तुम उस डब्बे को खोलते हो ना वापस, लाइक बैग निकालने के लिए या मतलब यूज़ हो गया तुम्हारा, तो वो तुम्हें 100 yen अपने वापस कर देता है। मेरे को 2 मिल गए, कोई एक उठाना भूल गया होगा अपने, मैंने अभी देखा। अच्छा ऐसे करते हैं क्या, दबा दिया मैंने उसे, इसे ऐसे ओपन करते हैं और यहाँ से पी सकते हैं। वाह ये क्या चोचले हैं भाई, पूरा उखाड़ दो। अब कुछ डाला हुआ है इन्होंने अंदर, ओहो ये मीठ ही नहीं निकलेगी यार, इसने इन्होंने वो डाल रखा है, वो क्या कहते हैं उसे, वो सैशे। मुझे पता था, फक बैड चॉइस शुभम, बैड चॉइस, मेरी गलती है। मुझे हमेशा ये अज्यूम नहीं करना चाहिए कि जो भी हॉट टी है चाय है वो मीठी निकलेगी, मेरे को हैबिट है ना। मैंने हॉट टी देखा, मैंने कहा ला भाई मज़ा आ गया, फिक्की अकड़ भी है, तो ऐसा लग रहा है वो डाइटिंग वाली चाय पी रहा हूँ मैं। ये देखो वहाँ पे लोग गो कार्टिंग कर रहे हैं, ये भी काफ़ी पॉपुलर लाइक एक्टिविटी है टोक्यो में करने के लिए। मेरे पास इंटरनेशनल लाइसेंस है नहीं, तो इसलिए मैं नहीं कर सकता, वरना मैं भी करता। भाई मेरे सामने ये ना छोटे से कुत्ता ले जा रहा है, बिल्कुल पिल्लिया सी है बिल्कुल ही। पीछे भी कई लोग हैं और मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे छोटे छोटे डॉगीज को घुमाते देखा, लाइक क्या फन है भाई। चलो मैंने तो माना मेरे को डॉगीज पसंद नहीं है, बट स्टिल क्या फन मिलता है इन छोटे छोटे। हाँ भाई तो अभी मैं किसी रेजिडेंटल इलाके से गुजर रहा हूँ, देखो कोई नहीं आसपास, बहुत ही खाली खाली सा एरिया है, बहुत शांत एरिया है। और मैं जा रहा हूँ एक स्पॉट पे जो काफ़ी पॉपुलर है एनिमे फैंस के बीच में, अगर तुम एनिमे मूवीज़ देखते हो तो उस स्पॉट को पहचान जाओगे। बहुत ही खाली खाली सा एरिया है ये,
और मैं यहाँ पे भी हाइकिंग ही कर रहा हूँ। ये देखो कितना स्लांटेड रोड है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जापान में यहाँ पे स्ट्रीट डॉग्स नहीं हैं, क्योंकि फ्रीली मूव कर पा रहा हूँ। ऐसे वॉकिंग करना बहुत पसंद है मुझे। यहाँ की पूरी जगह, पूरी लोकेशन ना वॉक करके देखने में बड़ा मज़ा आता है। बहुत रिलैक्सिंग काम वाइब्स हैं यहाँ पे। और क्योंकि मुझे पता है डॉग्स नहीं है, तो मैं किसी भी अननोन गली में ऐसे ही घुस सकता हूँ। बहुत ही टाइट लोकेशन से गुजर रहा हूँ भाई मैं। कोई आदमी नहीं दिख रहा, कोई है ही नहीं। कितनी कंजस्टेड गलियाँ हैं, बट नाइस। आई थिंक यही श्राइन है, वो यहीं कहीं पर होना चाहिए रास्ता भी। तो यार, अगर तुम एनिमे मूवीज़ देखते हो तो ये वाली सीढ़ियाँ ज़रूर देखी होंगी। अब मैं यहीं पे था, मैंने सोचा इन्हें भी चेकआउट कर लूँ। तुम लोग भी बोल रहे थे यहाँ पे आना, तो हियर वी आर। मैं वहाँ पे था उस श्राइन पे, ऐसे घूम के आया हूँ। तो यार भाई, यहाँ पे बस यही है, एक श्राइन है और बाकी ये स्टेयर्स हैं, कुछ खास नहीं है। बट या अगर तुम्हें फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवानी है तो या वाई नॉट। आई मीन वही है, उतनी कलर वाली नहीं है। एनिमे में कलर्स अलग हैं, लेकिन सही है ये भी। आ गए फ़ोटो वोटो खिंचवा ली। And we are going. ये देखो, ये proper resident area है। कितना सही लग रहा है, शांत इलाका है एकदम। थोड़ी भी आवाज़ नहीं हो रही है, सब शांत शांत है। तो मैं भी धीरे ही बोल रहा हूँ। ये शिनचैन का ग्रुप लग रहा है। बच्चे कैसे enjoy करते हुए, गाना गाते हुए भाई, हंसते खिलाते। बचपन के दिन याद आ गए, जब वी वर हैप्पी। शिनचैन का ग्रुप लग रहा था ये तो पूरा। क्या नाम था उनके ग्रुप का, कासुकाबे डिफेंस ग्रुप, वही लग रहा था ये। जब भी ऐसे रास्तों से गुजरता हूँ ना, हमेशा माइंड में ये आता है कि यार यहाँ पे रहता तो रोज ऐसे रोड्स और ऐसे क्रॉस करने का मौका मिलता। बट ये भी है कि ये ना बहुत लोनली प्लेस है। कोई एक बंदा हो साथ में तो तुम, या आई थिंक मज़े लेके रह सकते हो यहाँ पे, एक्सपीरियंस भी कर सकते हो और हैप्पी भी रहोगे। बाकी मैं स्टेशन पे आ गया, टोक्यो टावर जा रहा हूँ देखने। लेट्स गो। 6 दिन हो गए टोक्यो में आए, टोक्यो टावर ही नहीं देखा। चोखा लंबा एस्केलेटर है ये देखो, और मैं अभी 2 एस्केलेटर और नीचे आया हूँ। कितना अंडरग्राउंड लेके जा रहा है, फिर इतना ही ऊपर लेके आएगा। बहुत बढ़िया, कितनी अंडरग्राउंड इन्होंने गड्ढे वड्ढे से कर रखे हैं, और ट्रेन व्रेन सेट कर रखी है। वैसा ही है। क्या है भाई, ये स्टेशन कहाँ लेके जा रहा है मेरे को? दुनिया भर का चलवा दिया, दुनिया भर का एस्केलेटर उतर गया मैं। वो ट्रेन का ट्रैक ही नहीं दिख रहा भाई। मजाक नहीं करूँगा, एटलीस्ट 5 फ्लोर नीचे उतरा हूँ मैं जब जाके ये ट्रैक आए हैं। दिमाग ख़राब हो गया उतरते उतरते। यही मेरी ट्रेन आई थिंक। या पहुँच गए गाइस हम, वो देखो वो रहा हमारा टोक्यो टावर। थोड़ा सा क्लोज जा रहा हूँ मैं, थोड़ा अच्छा व्यू लेने के लिए। पहुँच गए भाई, कुछ खास तो नहीं है अभी। थोड़ी और शाम हो जाएगी, मैं थोड़ा टाइम यहीं पे स्पेंड करूंगा ताकि शाम हो जाए, लाइट वगैरह जल जाए, फिर थोड़ा बढ़िया सा दिखे। भाई कुछ पीने का मन बनाया है। ये वेंडिंग मशीन्स कुछ ज़्यादा ही पसंद आ रही है मुझे, जब भी दिखती हैं अट्रैक्ट कर लेती हैं। ये वाला लेने वाला हूँ, लेमन है इसमें। लेमन टेस्ट बता रहे हैं, स्मेल भी बता रहे हैं, गर्म है। और ये देखते हैं, फीका है पर बिल्कुल पानी है, जैसे वो ग्रीन टी पी रहा हूँ, बिल्कुल वही है। लो भाई, ये भी एक बहुत प्यारा व्यू मिल रहा है पार्क से। इंटरनेट पे इतनी पिक्चर्स देख चुका हूँ कि रियल लाइफ में देख के भी कुछ इतना यू नो सरप्राइज या वैसी वाली फीलिंग नहीं आ रही। वैसे ही लग रहा है, ठीक है, टावर है, देख लिया, बैठ जाते हैं यहाँ थोड़ी देर। पार्क काफ़ी अच्छा है वैसे, खाली खाली सा। आई मीन लोग ना हो ना, मेरे को ऑटोमेटिक वो जगह पसंद आ जाती है। तेज़ आराम से बोल सकता हूँ, किसी की परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी ये जो है ये टेढ़ा है शुभम, ऐसी कोई वीडियो शूट करने का कोई फ़ायदा है भी? मैं यूज़ भी नहीं करूँगा इसे। आई एम नॉट श्योर, बट इसके ऊपर भी आई थिंक वो देख रहे हो, वो आई थिंक ऑब्जर्वेशन डेक है। और वहाँ पे भी तुम जाके ना, पता नहीं इंसान तो कोई दिख नहीं रहा, बट ऐसा कोई चोचला ज़रूर होगा यहाँ। बट रात को ये बहुत अच्छा लगता है। अब मेरे मन में अबे क्या टिकटॉक पिकटॉक बना रहे हैं यहाँ पे लोग, और क्या शोर शराबा मच रहा है। ये रात को बहुत अच्छा लगता है लाइट्स वगैरह के साथ। अभी बिल्कुल हल्की हल्की ना बारिश से पड़ने लगी है,
यार मेरा तो मन था स्नोफॉल देखने का, टोक्यो में भी होती है जहाँ पे मैं हूँ यहाँ पे। अभी सपोरो वगैरह में तो हो रही है, बट यहाँ से ना सपोरो बहुत दूर पड़ जाता है और मेरे को क्योतो भी निकलना है, तो वो बिल्कुल अपोजिट साइड पड़ रहे हैं, तो मेरी टाइमिंग नहीं बनी। क्योतो हम 2 दिन बाद जा रहे हैं और वहीं से मैं ओसाका निकल जाऊँगा, वो दोनों काफ़ी क्लोज हैं, क्योतो और ओसाका। ये वर्ड्स अगर तुम जापान के बारे में ज़्यादा लाइक ऐसे रिसर्च वगैरह नहीं रखते या फिर आने का कोई प्लान नहीं है, तो ये वर्ड्स, ये सिटी के नेम्स ना बहुत वियर्ड साउंड कर रहे होंगे, भाई क्या तो क्यों ओसाका क्यों तो क्या है ये, लेकिन यह आदत बन जाती है। अगर तुम्हारे प्लान बनते हैं और तुम रिसर्च करने लग जाते हो ना, तुम्हें सब पता चल जाता है। अभी क्योंकि मैं आने की प्लानिंग कर रहा था, तो मेरे को लिटरली लाइक मैप से सारी जगहों का पता चल गया था। हाँ भाई, यहाँ से ट्रेन लूँगा, इधर से इधर, इधर से इधर, इतना मैप मैंने रिसर्च किया था, मुझे सारे लोकेशंस याद हो गए थे। मेरे को मैप पे लिटरली पता है सपोरो कहाँ है, टोक्यो यहाँ है, इधर से ऐसे जाऊँगा तो क्योतो आ जाएगा, सब पता है मुझे। मैं ऐसे ही गेड़ियाँ मार रहा हूँ, इवनिंग वॉक ले रहा हूँ इस पार्क से मैं। ऐसी जगहें तो इतनी सारी हैं यहाँ पे, लाइक बीच बीच रास्तों में ना पार्क से ऐसे दिख ही जाते हैं लोग ना। वैसे यहाँ पे स्टेयर वगैरह करते नहीं हैं, वैसे ही इतने शाये हैं, लाइक मेरे को जैसे जो भी देखता है ना 2-3 सेकंड देखेगा यार, उसके बाद या तो नज़रें नीचे और सारे फ़ोन पे लगे रहते हैं भाई, कोई इंटरेक्शन नहीं कुछ नहीं, सब इतने बोरिंग बंदे हैं यहाँ, सभी फ़ोन पे लगे रहते हैं। किसी से पूछ लो, बात बात कर लो तो बात अलग है। मेट्रो में भी सबका मुंह ऐसे घुसा होता है, या तो कोई बुक पढ़ रहा होता है या फ़ोन, किसी से मतलब नहीं। कुछ फ्रेंड्स देखे हैं मैंने जो बात बात करते रहते हैं, वरना तो या ज़्यादातर मेट्रो वगैरह में वैसे भी शांति रहते हैं, बात करना कुछ खास सही माना नहीं जाता यहाँ। हाँ ये लो भाई, अब तो मैं चरणों पे आ गया बिल्कुल, टावर के बिल्कुल मत्थे के सामने। अंदर भी जा सकता हूँ चाहूँ तो, मेरे को कोई पॉइंट लग नहीं रहा वैसे अंदर जाने का। हाँ तो भाई मैं इस शॉप पे रुका हूँ, इन्हें ना क्रेप बोलते हैं, और ये लेके ट्राई करने का मन है, मैंने पहले कभी नहीं खाया ये। ये भी बढ़िया है, और बाकी ये कस्टर्ड वाला भी सही लग रहा है मेरे को। भाई बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो गया था मैं, लेकिन मैंने ये मिंट चॉकलेट ले लिया, बिकॉज इसमें वो दो वो हैं, अगर पता नहीं मेरे को ये ठीक सा लगा। ये जितने भी शीशे के पीछे रखे ना, ये सारे मॉडल्स हैं, और ये फाइनल वर्जन है, क्लोज होके मिलता है ये। अच्छा लग रहा है। मैं इस क्रैप को लेकर ना काफ़ी पॉजिटिव फील कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें दुनिया भर की चॉकलेट मिली हुई है, तो ओहो फाइनली मैंने कोई ऐसी चीज़ खरीदी है जो मुझे एक्चुअल में पसंद आ रही है। भाई मैंने ये वाला स्पॉट देखा था, मैं उस वाले स्पॉट पे जा रहा हूँ। इस पर कपल बैठा था तो मैं थर्ड व्हील नहीं बनना चाहता था, लेकिन ये आहा, ये है कोई स्पॉट भाई, यहाँ पे बैठे हुए थे वो। लेकिन अभी इस वाले स्पॉट पे मेरा राज है, यहाँ पे लाइट अच्छी आ रही है, और मेन थिंग पता है क्या है, टोक्यो टावर का व्यू बहुत प्यारा है। इवन दो थोड़ा सा पेड़ अड़ रहा है, लेकिन लाइट जलने तो मज़ा आएगा। व्लॉगिंग आसान नहीं है, दुनिया भर के एंगल देखने पड़ते हैं सही चीज़ों के लिए। ये ठीक है, मैं पूरी सीट घेर रहा हूँ, ये पूरे स्टूल हैं बड़े बड़े, पूरी सीट घेर ली मैंने। लेकिन ये ना बहुत ही बढ़िया स्पॉट है, लाइक एक तो तुम भीड़ भाड़ से दूर हो, ऊपर से मेरे पीछे जंगल जंगल है, इधर वो बढ़िया सीढ़ियाँ जा रही हैं पीछे को, और आसपास कोई ह्यूमन नहीं है, चिल कर रहा हूँ मैं, और व्यू बहुत बढ़िया है, मेन चीज़ ये है। जब मैं ये लेने जा रहा था ना, मैंने डिसाइड किया था कि मैं यहाँ आके बैठूंगा, लेकिन फिर उन कपल लोगों ने हड़प लिया ये, तो मैं वहाँ बैठा हुआ था थोड़ी देर के लिए, अब वो जैसे ही निकले मैं भागा भागा यहाँ आ गया। भाई ये क्रेप लेने का इतना बढ़िया डिसीजन था, ठंडा तो है, हो सकता है मेरे को बीमार कर दे, लेकिन वर्थ इट। हमारे टोक्यो टावर की लाइट जल चुकी है, क्या ब्यूटीफुल लग रहा है ये रात को। सही है मैं रुक गया यार शाम तक, ये वाला व्यू भी देख लिया, बहुत अच्छा लग रहा है ये वाला, और ऊपर लिफ्ट जा रही है सही में, ऊपर ना ऑब्जर्वेशन डेक है यहाँ पे। सुबह वाला देखना वर्थ इट नहीं है बिल्कुल भी, अगर देखना ही है तो रात वाला देखो जब लाइट वाइट सब चल रही हो तो। और ठंड हो गई है बहुत ज़्यादा, बारिश भी पड़ रही है, भाप भी निकल रही है मुंह से। ये देखो स्ट्रीट से सजा रखी है भाई, सौबे भाई ये तो बढ़िया लग रही है, सारे ट्रीज सजा रखे हैं। ये देखो चोखा बड़ा होटल है भाई। मेरे पीछे ना कपल्स जो हैं, जो जिनकी शादी हो चुकी है, वो अपनी वेडिंग फ़ोटोज़ खिंचवा रहे हैं, बहुत सारे हैं और लाइन से लगे हुए हैं अलग अलग जगह पे, सब अपनी फ़ोटो शूट करवा रहे हैं। ये प्लेस भी काफ़ी फ़ोटो वाली लग रही है भाई, लगे पड़े हैं सारे। ये देखो शाम को यहाँ के मेट्रो की हालत कुछ ऐसी रहती है, भीड़ देख रहे हो तुम, सारे ऑफिस वाले लोग, इधर उधर घूमने वाले लोग, टूरिस्ट सब यहीं हैं। ऑल राइट भाई, मैं अपने होटल वापस आ गया, 7 बज रहे हैं करीब यहाँ पे, 7 बजे मेरे होटल के आसपास तो बिल्कुल शांत हो जाता है मामला, सब अपने घर को जा रहे होते हैं, अंधेरा सा हो जाता है,
और देखो मेरे होटल से ना स्काई ट्री दिखता है, लेकिन अभी उसकी चोटी नहीं दिख रही, पता नहीं क्यों, मे बी फॉगी वेदर की वजह से। देखो इसमें शायद दिखेगा नहीं, लेकिन उसकी चोटी दिख नहीं रही है। साफ करना शुरू तो किया था, ख़त्म नहीं किया। कल मेरा लास्ट डे है यहाँ पे, कल भी थोड़ा सा घूम घाम के जल्दी आके यहाँ का निपटा दूंगा, फुल पैकिंग शैकिंग कर लूंगा और परसों हम निकलेंगे क्योटो के लिए। तो यार आई गेस आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही, अब बस घर वालों से थोड़ी सी बातें करके और सो वो जाऊंगा, सुबह जल्दी उठ के फिर निकलेंगे। होप यू गाइस एंजॉयड द व्लॉग, और अभी तक के व्लॉग कैसे लगे मुझे कमेंट्स में बताओ। बाकी मैं चला, गुड बाय।